हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और मैं हूँ जितेश। तो भाई जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारे भाई ब्रेजा ओनर्स के रिलेटेड। तो जितने भी मेरे भाई भाई अपना एलेक्साई मॉडल प्लान कर रहे हैं, जिन भी भाइयों ने अभी भाई एलेक्साई ली है और वो सोच रहे हैं यार हम अपनी गाड़ी के अंदर बेसिक क्या काम कर रहे हैं, तो आज भाई चंदन में वह पूरा गाइड करेंगे। तो चंदन भैया थोड़ी सी गाड़ी की डिटेल्स बताओ, क्या काम कर रहे हैं, क्या है थोड़ा बताओ। भैया कस्टमर हमारे काफी पुराने क्लाइंट है, अच्छे कस्टमर है, तो इनकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, ब्रेजा ली है इन्होंने, रिक्वायरमेंट थी कि इनको कम बजट में हर चीज़ करवानी है, मतलब सिलेक्टेड चीज़ें थी और हर चीज़ करवानी थी। बजट इनका काफ़ी कंस्ट्रेंट था, तो ऑडियो भी चाहिए था, डैम्पिंग भी चाहिए थी, हेड यूनिट इन्होंने सबसे हाई एंड चूज करा है, प्लस अपने बेसिक एक्सेसरीज, डोर वाइजर किट वगैरह एवरीथिंग, मतलब कह सकते हैं कि बेसिक एक्सेसरीज प्लस ऑडियो में थोड़ा सा अपग्रेड। हाँ, मतलब बिल्कुल बेसिक नहीं कह सकते, इनको ज़्यादा हाई एंड नहीं चाहिए था, इनको गाड़ी के अंदर क्वालिटी अच्छी चाहिए थी विदाउट एनी स्पेंडिंग एनी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो इसलिए कम बजट में हम लोगों ने इनको सजेशन दिया। तो गाइस बेसिकली मतलब जो जो आपको बेस मॉडल में रिक्वायरमेंट होती है जैसे सीट कवर वगैरह, प्लस आप ऑडियो में थोड़ा बेसिक से अपग्रेड क्या कर सकते हो, कंप्लीटली आज का वीडियो में टॉपिक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो फटाफट चलते अपनी गाड़ी की तरफ और दिखाता हूँ भाई क्या क्या काम हो रहा है। सो गाइज हमारे ब्रेजा एलेक्साई का जो काम है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो भाई अगर आप लोगों को ये डेली रजिस्ट्रेशन पे लेनी है तो लगभग आप लोगों को 8,22,000 ऑन रोड एक कॉस्ट करती है। तो अब बात कर लेते हैं भाई इसमें मॉडिफिकेशन हमारी क्या क्या हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं भाई फ्रंट से, तो फ्रंट में आप लोग देख सकते हो अभी काम इसका स्टार्ट हो चुका है, तो उसके अंदर भाई हमारी बॉडी किट लग रही है। और तो चंदन भी अपने कौन से ब्रांड की लग रही है, गैलियो की, तो ये भैया पूरी मतलब पूरी पीस में आती है, कैसी आती है बताओ थोड़ा। इसमें भैया को स्पेसिफिकली साइड और व्हील आर्क चाहिए थे, तो हमने ज़्यादा इनको वो नहीं करा, सिर्फ यही दो सजेस्ट करिए क्योंकि इनकी साइड से थोड़ा उनको चाहिए था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही सजेस्ट करिए। तो भैया मतलब मेन फ्रंट में यही कह सकते हैं कि बम्पर में हमारे व्हील आर्क ऐड हुए हैं, बाकी फ्रंट में और कोई चेंजेस भैया? फ्रंट में अगर कस्टमर चाहे तो हमारे पास फ्रंट और रियर के ABS पैटर्न के गार्ड्स वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपके प्रॉपर गार्ड्स लग जाते हैं, अगर आप लोग चाहो तो वो भी ले सकते हो, बट इस गाड़ी में भी ये काम नहीं हो रहा क्योंकि भैया जैसे कि हमने बताया था बेसिक काम हो रहा है सारा। बिल्कुल बेसिक हो रहा है, डिमांड ज्यादा थी कि बेसिक गाड़ियां भी आप लोग दिखाइए, बिल्कुल हम लोग बेसिक ही काम कर। बिल्कुल, तो भाई फ्रंट में एक बेसिक चीज और बता देता हूँ जो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं हो रही, इसके अंदर भाई फॉग लैंप्स भी आप अपग्रेड कर सकते हो। तो फॉग लैंप्स में आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप भाई नॉर्मल अपनी बेसिक से जो फॉग लाइट आती है आप ये इंस्टॉल करा सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा हाई एंड चाहिए और थोड़ी सी लुक अच्छी चाहिए तो आप ये वाले भाई प्रोजेक्टर वाले टाइप में पूरी LED वाले में आप ये इंस्टॉल करवा सकते हो, और अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा हाई एंड रोशनी चाहिए तो आप ये IPH के फॉग लाइट्स लगा सकते हो। तो भैया इसे लगाने के बाद रोशनी बिल्कुल बढ़िया हो जाती है, जबरदस्त। तो भैया अगर हम बेसिक प्राइस की बात करें तो बेसिक जो फॉग लाइट है क्या प्राइसिंग बढ़ जाती है लगभग? भैया जो जेन्युइन की कॉपी आती है वो करीब 600-700 से स्टार्टिंग हो जाती है, बाकी आप अपर जाएं तो अपनी लूमेक्स की आती है जो जेन्युइन आती है वो आपकी 1600 से शुरू हो जाती है। और भी अगर किसी को हाई एंड या अपना प्रोजेक्टर लगाना हो तो 3000 से शुरू हो जाता है, मतलब प्रोजेक्टर और बाकी HID वगैरह उसमें अलग लगती है। तो भाई ये देख सकते हो। तो फ्रंट में साथ ही साथ भाई आपको ये भी बताता जाऊंगा कि आप लोगों और क्या एसेसरीज आप इंस्टॉल करा सकते हो, अगर आप चाहो तो इसके अंदर भाई HID और LED अपग्रेड करा सकते हो। तो चंदन भी अभी हम कुछ अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। नहीं भैया, भैया को हर चीज सिंपल चाहिए थी बट सारी चीजें कवर करनी थी इसलिए हम लोगों ने वो सजेस्ट नहीं करी। बिल्कुल, तो भाई आप देख सकते हो, तो भाई बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, सीट कवर वगैरह का भी काम सारा हमारा चल ही रहा है, और बाहर से भी जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो सब मैं आपके साथ भाई शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले और एक और चीज देखोगे तो इसके अंदर भाई बेसिक एसेसरीज में हमारे जो डोर गार्ड होते हैं आप ये कह सकते हो रेन वाइजर, ये भी अपने इंस्टॉल हो रही है विद क्रोम लाइनिंग, और छोटा मोटा इसके अंदर भाई क्रोम का भी काम हो रहा है जैसे कि आपके विंडो गार्निश है ये भी इसके अंदर इंस्टॉल हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपनी भाई एक हॉकी बिल्डिंग हम इसे कहते हैं, ये भी क्रोम में कंप्लीट इंस्टॉल हो रही है। तो भैया ये अपनी ABS क्वालिटी में होती है ना सर? ABS, और मतलब खराब इतनी जल्दी होती नहीं, नहीं खराब नहीं होती। बाकी भाई आप देख सकते हो गाड़ी का जो कलर है वो ग्रेनाइट ग्रे है, तो उसके साथ क्रोम का जो पार्ट है वो काफी अच्छा लग रहा है, और अभी भी ये अपनी बॉडी किट भी नीचे लग रही है भाई। हाँ जी, ये साइड की लग रही है क्लैडिंग, प्लस जो हमने अभी जो डिस्कस करी थी व्हील आर्क वो ये है। तो भाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो बेस मॉडल आप ब्रेजा लेके आओगे तो आप लोगों को भाई ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, और ये नीचे वाली जो आपका रनिंग बोर्ड होता है उसमें भी अपनी इंस्टॉल हो रही है। एक बार भैया सामने से दिखा दो, देखो भाई ये कुछ ऐसी आ रही है, और ये जब इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसे लुक आएगी ये आप देख सकते हो। बाकी भाई बात में अपने बेसिक में बात करें तो इसके अंदर हमारा कैमरा वगैरह भी अपग्रेड हो रहा है, और मतलब भाई बेसिक एसेसरीज में जो जो काम हो सकता है सब इसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई भाई बाहर से मेन की, अब एक बार आप लोगों को अंदर भी दिखा देता हूँ। तो अंदर मैं आप लोगों को जस्ट एक गाइडेंस दे देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। भाई अपना ऑडियो भी अपग्रेड हो रहा है, बेस मॉडल है तो भाई अच्छा खासा ऑडियो नहीं आता, तो एक बेसिक सा ऑडियो अपग्रेड कर रहे हैं। तो भैया थोड़ा सा ऑडियो के बारे में बताओ। भैया कस्टमर का बजट कम था, ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए था बजट, तो बेसिक में उनको क्वालिटी क्लैरिटी सारी चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए हम लोगों ने इनको हर्ट्स के कंपोनेंट सजेस्ट करे हैं। हर्ट्स की बेसिक से अपर सीरीज है डाइची, उसके कंपोनेंट्स हैं और उसी के पीछे को एक्सेल है हर्ट्स के भी अपने। हाँ जी, बट उन्होंने कहा था मुझे हेड यूनिट बेस्ट से बेस्ट चाहिए, तो सोनी का 8000 नंबर है मॉडल वो हमने लगाया है इसमें,
और इन सबको पावर करने के लिए एक फोर चैनल जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो DS18 का है। तो भैया सबवूफर वगैरह भी ऐड हो रहा है? सबवूफर भी लगा रहे हैं। तो भैया वो उसका क्या प्लान है? सबवूफर बेसिक ही चाहिए उनको, जितना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं चाहिए, बेसिक ही चाहिए उनको। तो JBL इन्फिनिटी जो भी भैया को सजेस्ट करे वो लगा। तो भाई भैया ने आप लोगों को एक मोटी मोटी गाइडेंस दे दी है, बाकी अगर आप लोगों में डैम्पिंग तो इसके अंदर भाई हमारे डॉक्टर आर्टेक्स की इरिडियम सीरीज की पूरी डैम्पिंग हो रही है। तो चंदन भैया डबल लेयर में करिए? हाँ डबल लेयर, मतलब इनर भी और बाहर भी। जी जी। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो रोज गोल्ड इसका कलर है और एक गाड़ी का कलर डार्क है, तो उसके साथ देखने में भी अच्छी लग रही है। बाकी थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को डैम्पिंग का इफेक्ट दिखाऊं, देखो साउंड सुनना, और ये वाला पार्ट हमारा डैम्प नहीं होता। तो भाई यहाँ पे एक हॉलो सी फील आती है और यहाँ पे एक हैवीनेस फील हो जाती है। तो भैया डैम्पिंग के ब्रीफली एक फायदे थोड़े से भैया, एक तो साउंड प्रूफिंग के लिए यूज होती है, प्लस बाहर की रोड नॉइज वगैरह वो सब नहीं आती, तो डोर्स भी थोड़े हैवी हो जाते हैं। और प्लस भैया जो हम छोटा अपने ऑडियो लगाते हैं कोई भी, उसकी भी क्वालिटी बढ़ जाती है, स्पीकर्स का पंच, स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब अगर भैया अगर आप सजेस्ट करो डैम्पिंग तो किस किस को सजेस्ट करोगे, किस किस रिक्वायरमेंट वालों का? भैया जिनको बाहर की रोड की नॉइज नहीं चाहिए, ऐसा कुछ देखिए आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी लगा सकता डैम्पिंग, जिसको ऑडियो की नीड है या नहीं है कोई भी लगा सकता। मतलब जिसको बाहर की नॉइज से थोड़ी सी इरिटेशन होती है उनके लिए भी काफी अच्छी चीज है स्पीकर, जो अगर आप स्टॉक स्पीकर्स के साथ भी इसको लगाएंगे तब भी बहुत अच्छी साउंड है, मतलब आउटपुट हमारा बढ़ जाता है। बाकी भाई अभी काम चल ही रहा है, सीट कवर वगैरह भी पूरे अपग्रेड हो रहे हैं और हेड यूनिट भाई सोनी का इसके अंदर लग रहा है। तो अभी काम सब इन प्रोसेस है, तो मैंने जस्ट आप लोगों को एक रफ आइडिया दिखा दिया, बाकी भाई जब जैसे जैसे आगे आगे काम होगा सब आपको मैं फाइनलाइज दिखाता हूँ। सो भाई नेक्स्ट एसेसरीज की या नेक्स्ट मॉड की बात करें तो इसके अंदर हमारे स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल भी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो आप लोगों को भाई जो अपने टॉप मॉडल में मिलते हैं बिल्कुल जेन्युइन मारुति सुजुकी के MGP के जेन्युइन पार्ट्स जो हैं वो इसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए भाई हमारा हब वगैरह और प्रॉपर स्टेयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जस्ट इंस्टॉलेशन का काम चल ही रहा है। बाकी अगर आप लोगों का हेड यूनिट देखनी है तो भाई सोनी की आप देख सकते हो, ये इंस्टॉल हुई है, अभी ऑन होगा तो हम आप लोगों को ऑन करके जरूर दिखाएंगे। बाकी हमारे भाई एम्पलीफायर ये रहा अपना DS18 का, जो हमारा एम्पलीफायर है अपने जो को ड्राइवर सीट है उसी के नीचे इसकी प्लेसमेंट हो रही है, वायरिंग वगैरह जब हो जाएगी मैं आप लोगों को फाइनल दिखा दूंगा। बाकी आप लोगों को कंपोनेंट्स देखने हो तो भाई अपने ये रहे कंपोनेंट्स, और ये अपना उसका भाई क्रॉसओवर, और साथ में जो उसका ट्विटर है यहाँ पे अपनी इसकी प्लेसमेंट है, तो उस साइड भी अपनी ट्विटर की प्लेसमेंट इस जगह पर हुई है। और डैम्पिंग भाई काफ़ी बढ़िया लग रही है, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा सीट कवर का आइडिया भी देखना हो तो अपने भाई ब्रांडेड इसके अंदर सीट कवर भी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो सारा काम आप देखते चलो, और जब फाइनल हो जाएगा आप लोगों के साथ में भाई एक फाइनल आउटपुट तो हम जरूर शेयर करेंगे। बाकी भाई जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो बिल्कुल अपने जेन्युइन मारुति सुजुकी ब्रेज़ा के ओरिजिनल इसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अंदर जो ब्लूटूथ वगैरह वाला बटन आता है भाई ये रहा, तो बिल्कुल इंस्टॉलेशन का काम चल ही रहा है, आप रफ आइडिया देख लो। बाकी जब हो जाएंगे इंस्टॉल आउटपुट वगैरह और हर चीज़ वर्क करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अब हमारी जो कैमरे की इंस्टॉलेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपना ब्लाउ पंक का इसके अंदर कैमरा लग रहा है। तो भाई इसकी क्वालिटी बिल्कुल A1 है, और बेसिक एसेसरीज में भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अच्छी चीज़ है जो आप लगवा सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर। तो वायरिंग वगैरह काम चल रहा है, और इसकी प्लेसमेंट जो होनी है भाई वो अपनी यहाँ पे नंबर प्लेट के पास ही होनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा। तो अभी यहाँ पे भी डैम्पिंग होनी है क्योंकि हमारे जो 4 doors है वो डैम्प हो चुके हैं, और बूट भी अभी डैम्प होगा, तो मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दूंगा। बाकी भाई कैमरा वगैरह आप देख लो, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा स्टीरियो में इसका भाई आउटपुट वगैरह और जो क्वालिटी आ रही है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई हमारे सीट कवर की भी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, जैसे कि मैं बताया था ब्रांडेड अपने डले हैं, तो उसके अंदर डॉल्फिन ब्रांड के इसके अंदर सीट कवर इंस्टॉल हुए हैं, और जो कलर कॉम्बिनेशन डैट इज ब्लैक, और स्टिचिंग अपनी वाइट की है, तो फुल अपने लेदर लुक में है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पंच वाले कपड़े में, तो देखने में बहुत एक डिसेंट से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप चाहो तो अपने कलर कॉम्बिनेशन भी रेडी करा सकते हो, बट इसके अंदर बिल्कुल अपने डिसेंट से इंस्टॉल हो रहे हैं। तो फ्रंट की कुछ ऐसी प्लेसमेंट है, और एक बार मैं आप लोगों को बैक में भी दिखा देता हूँ कि बैक अपने ऑलमोस्ट इसके अंदर इंस्टॉल हो ही चुके हैं, ये देखो। तो अगेन भाई बैक का डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम है, अपनी वाइट कलर से स्टिचिंग, और यहाँ पे प्लेन और यहाँ पे पंच वाला कपड़ा, और गाड़ी का भी काम भाई ऑलमोस्ट अपना डन हो चुका है। तो जो भी इसके अंदर काम हो रहा था उस सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो एक बार सब कुछ बिल्कुल इसे पैक होने देते हैं, फिर आप लोगों को सीधा दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो भाई गाड़ी का काम अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो आप सबसे पहले भाई पूरी सीट कवर की लुक देख लो, पूरा इंटीरियर का जो इसका सेटअप इंस्टॉल हुआ था सब आप देख लो। बाकी भाई ऑडियो वगैरह हर चीज़ मैं आप लोगों को सुनाई दूंगा। 70 mats इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं विद अपनी एम्बिएंट लाइटिंग, तो सिंपल अपनी व्हाइट कलर की हुई है, आप चाहो तो भाई मल्टी कलर भी आते हैं, तो व्हाइट कलर काफ़ी क्लासिक और प्रीमियम लग रहा है। बाकी अगर आप लोगों को स्टीयरिंग रैप देखना है वो भी अपना ऑटोफॉर्म का ब्रांडेड हुआ है, देख सकते हो अच्छी खासी बिल्कुल फिटिंग है भाई अपना OEM टाइप में, और ये अपना पंच कपड़े में लगा है, ये भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। बाकी भाई यहाँ पे पूरा सीट कवर हेडरेस्ट वगैरह देख सकते हो, दूर से बाहर से कुछ लुक देखोगे तो इंटीरियर की कुछ ऐसे लुक आ रही है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को बैक से भी दिखा देता हूँ, देखो,
और यहाँ पे आप भाई अपना मैट्स वगैरह भी देख सकते हो, 70 मैट देखने में काफी बढ़िया लग रहा है इंटीरियर भाई, डिसेंट अपना सिंपल सोवर्स है ये देख सकते हो। तो आप भी भाई बताना जरूर कैसा लग रहा है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को पूरा ऑडियो सेटअप दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले भाई इसके अंदर जो कैमरा इंस्टॉल हुआ था वो आप लोगों में दिखा देता हूँ। जैसे भाई हमने रिवर्स ऑन करा अपना कैमरा ऑन हो चुका है, ये देखो कैमरा बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। और भाई बेस मॉडल के अंदर ही अब LXi के अंदर आप लोगों को कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल मिल गया। बाकी भाई पाइनर की इसके अंदर हमने हेड यूनिट इंस्टॉल करी थी, सॉरी सोनी के हमने हेड यूनिट इंस्टॉल करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल कार प्ले से हमने वर्क करा था और इसके भाई सारे फीचर्स ए रहे, रेडियो, ब्लूटूथ म्यूजिक, फोन, अपनी सेटिंग, एप्पल कार प्ले भी हमने ऑन कर रखा है। जैसे कनेक्ट कर आप लोगों को भाई सारे फीचर्स इसके अंदर आ चुके हैं और म्यूजिक भी हमने ऑलरेडी भाई NCS का सेट करा है। बाकी आप लोगों को स्टेयरिंग कंट्रोल देखना है तो देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है भाई। मोड का ऑप्शन, रेडियो, ब्लूटूथ, दोबारा से हमने एप्पल कारप्ले सेलेक्ट कर लिया, ये म्यूट, बिल्कुल बढ़िया तरीके से भाई सब कुछ वर्क कर रहा है देख सकते हो आप। और मोड ये भी चेंज यहाँ से हो जाएगा। बाकी ब्लूटूथ वगैरह के यहाँ पे ऑप्शंस है तो आप देख सकते हो भाई ये आप लोगों को इस मॉडल में नहीं मिलता है और ये भी अपना इंस्टॉल हो चुका है। और हेड यूनिट भाई अपनी 9 इंचेस में है सोनी की। और ऑडियो सेटअप तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था, अपने ट्विटर की प्लेसमेंट इस जगह पर हुई है। तो एक बार मैं आप लोगों को इसका आउटपुट भी सुना देता हूँ, आप एक बार आउटपुट भी इंजॉय करो और बताना कैसा आउटपुट आ रहा है। आउटपुट भी आप लोगों ने सुन लिया है भाई, बेसिक से बहुत एक अच्छी आउटपुट आ रही है। और बेसिक से अपना जो सबवूफर था भाई आप देखना हो JBL का अपना 1500 वॉट का इसके अंदर सबवूफर ऐड करा है। बाकी भाई जो सबसे बढ़िया चीज लग रही है वो लग रहा है भाई इसका इंटीरियर, बिल्कुल डिसेंट सा इंटीरियर है और भाई बिल्कुल टॉप मॉडल वाले हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी आ चुके हैं, हर चीज बिल्कुल अच्छी खासी फिटिंग में। और अपना भाई हेड यूनिट तो अपना सोनी का अच्छी क्वालिटी वाला लग ही गया। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताना भाई बेसिक पार्ट में आप लोगों को सबसे अच्छी चीज क्या लगी, क्या आप लोगों को सबसे बढ़िया लगा। तो ये तो बात हो गई भाई पूरी आप लोगों के इसके ऑडियो सेटअप की। एक बार मैं आप लोगों को भाई गाड़ी के कस्टमर से भी मिलाता हूँ और पूछते हैं भाई फ्यूचर में इसमें और क्या प्लान्स हैं। सो गाइस हमारे साथ गाड़ी के ओनर भी आ चुके हैं भाई, आपका नाम? मेरा नाम सिद्धांत है भैया। तो सिद्धांत भी आप कहाँ से आए हो, दिल्ली से हो, कहाँ से हो? मैं ग्रेटर नोएडा से। तो भैया आज जो अपनी ब्रेजा LXi थी ये अपने को कितने की पड़ी थी लगभग? भैया ये 8/22 की पड़ी थी। तो ये दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, कहाँ का है ये? यूपी यूपी 16 का। तो भैया अभी तक जो आपने काम कराया सबसे बेस्ट आपको क्या लगा? भैया मेरे को सबसे अच्छा ये स्टीरियो लगा, इसकी जो प्रॉपर वायरिंग हुई है वो मेरे को काफी अच्छी लगी है। बाकी भैया फ्यूचर में कोई और प्लान है अपनी गाड़ी में? भैया एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है, ऑल्दो मैंने कहते हैं इसके अलॉय व्हील्स मैंने ऑर्डर करे हुए हैं, उसकी कंप्लीट पेमेंट वगैरह जो टॉप एंड के आते हैं ब्रेजा में वो ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, वो मोस्ट प्रोबेबली कल फिट हो जाएंगे इसमें। अच्छा तो मतलब अपने आफ्टर मार्केट अलॉयज नहीं लगवाने, जेन्युइन वाले अलॉयज लगवाने? जेन्युइन अलॉयज जो टॉप एंड में अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, वो लगवाने मेरे। तो भैया वो कब तक इंस्टॉल हो रहे हैं अपने? वो कल डेफिनेटली हो जाएंगे। चलो भाई ये भी देख लो, भैया ने सारा काम करा दिया था तो मेरे पर्सनली इच्छा थी भैया से पूछूंगा भी अलॉयज कितने लगाए, तो भैया ने बता ही दिया है कि टॉप मॉडल के जेन्युइन अलॉयज लगने हैं। बाकी भैया और कोई प्लान है फ्यूचर में? भैया फ्रंट और रेयर के जो गार्ड्स हैं वो इंस्टॉल कराने का मेरा प्लान है और मैंने इस बार फॉग लाइट वगैरह इंस्टॉल नहीं करवाई है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम वो और थोड़ा बहुत और छोटा मोटा काम। बाकी भैया लगभग सारा काम तो हो ही गया, लगभग सारा काम हो गया। चलो तो भैया सबसे बढ़िया आपने बताई दिया क्या लगा, सब में मजा आ गया ना? सब तो भैया नेगेटिव बात है वो भी बता दो। भैया मैं 2015 में पाल मोटर्स आया था, तब का मेरा एक्सपीरियंस ही आज में है जो मैं आज दोबारा आया हूँ। चलो तो भाई भैया देख लो बिल्कुल एक रियल रिव्यू शेयर कर दिए। बाकी भाई गाड़ी में आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा क्या नहीं। सच्चे में भाई इंटीरियर और ऑडियो सेटअप तो बढ़िया रेडी हो ही गया। तो यह बात हो गई भाई पूरी अपनी गाड़ी की, क्या क्या मॉड्स हुए थे, अलॉयज बहुत जल्दी लग जाएंगे, अलॉयज लगते ही गाड़ी के लुक पूरी बढ़िया तरीके से चेंज हो ही जानी है, अभी जस्ट ट्राई गए थे।
बाकी आप ये देख सकते हो और ओवरऑल लुक आप लोगों को फाइनल बार से देखनी है तो कुछ अपनी ऐसी आ रही है। तो ये तो बात हो गई गाड़ी की कंप्लीट मॉड्स की, अब बात करते हैं चंदन भैया से कि भाई इसमें अप्रोक्स टाइम और पैसे वगैरह कितने लग जाते। सो गाइस आप लोगों ने अपने ब्रेजा एलेक्साई के अंदर बेसिक मॉड्स प्लस थोड़ा सा एक हाई एंड ऑडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। हम भैया इसे हाई एंड नहीं कह सकते, बेसिक से थोड़ा सा अपर पार्ट कह सकते हैं, हाई एंड और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो भैया अब बात आती है मैं प्राइसिंग की और टाइम की, तो लगभग अगर कोई बेसिक काम कराने आता है कोई सी भी बेस मॉडल गाड़ी में तो टाइम क्या लग जाता है लगभग? भैया जैसा काम आपने अभी इस ब्रीजा में देखा ऐसा अप्रोक्सीमेट 5 से 6 घंटे में हो जाता है, 5 से 6 घंटे में बढ़िया काम हो जाता है जी। प्लस भैया अब बात आती है प्राइसिंग की, अगर हम हर एक से बेसिक चीजों की बात करें जैसे फॉग लाइट हो गई, हमारे सीट कवर्स वगैरह हो गए, अगर इनकी बेसिक एसेसरीज की बात करें तो भैया कैसे कैसे सेटअप रहता थोड़ा बताओ। भैया देखिए जैसे बेसिक है मैं स्टार्टिंग प्राइसेस आपको शेयर कर देता हूँ, जैसे हमारी फॉग लैंप्स है 600-700 से स्टार्टिंग हो जाती है, व्हील आर्क जो आती है ये 3000 से स्टार्टिंग हो जाती है, आपके डोर वाइजर सीट कवर्स आपके 3500 से शुरू हो जाते हैं, फुल बकेट में जाएंगे तो 4000 से शुरू हो जाते हैं, प्लस मैट्स जाएंगे हम लोग 3D आपके 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं, 7D 2000 से शुरू हो जाते हैं। अपने भी हेड यूनिट सोनी के आपके 10-11 हजार में आ जाते हैं, बट ये वाला 25,000 के अप्रोक्स है, ये अच्छा वाला सेटअप है। प्लस भैया स्पीकर्स बिल्कुल बेसिक अपने कितने से स्टार्ट हो जाते हैं? हर्ट्ज के कंपोनेंट भी है 4000 से स्टार्टिंग है और ये वाले थोड़े अपर रेंज है, और आपकी डैम्पिंग ब्रांड में जाएंगे तो 700 रुपए की डैम्पिंग स्टार्टिंग है और हाई एंड बहुत सारी अपने पास हाई एंड तो जितना आप बोले सीटी के ब्लू है काफी अच्छी चल रही है बिल्कुल। एक अभी आपके सामने भी एक गाड़ी हो भी रही है क्रेटा अपनी, हाँ जी एक हमारी एक ग्राउंड जीरो भी है ब्लैक एडिशन, सारी है तो बहुत मतलब जैसे जिसका बजट उस हिसाब से वो रेडी करा सकता है। तो भाई बेसिक आप लोगों ने सारा एसेसरीज देख लिया है, बाकी अगर आप लोगों को हाई एंड काम भी कराना है तो भैया अगर मैं अपने ब्रेजा का इंटीरियर सोचूं हाई एंड तो उसका क्या लगभग प्राइस बैठ जाता है? अप्रोक्सीमेट भैया 20 से 22 हजार रुपए में पिलर्स, अपने डैशबोर्ड ट्रिम्स, डोर पैनल, सीट कवर, स्टेयरिंग कवर, रूफ, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। और भी अगर हम एक ऑडियो सेटअप की बात करें तो हाई एंड एक बेसिक सी रेंज का उसमें क्या बैठ जाएगा? अराउंड 50,000। तो भैया अभी जो हम अपने डीडी का लगा रहे थे ये कौन सी गाड़ी में लगा रहे हैं? क्रेटा में। ये अभी क्रेटा है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसकी भी शूट करेंगे बिल्कुल, क्रेटा में डीडी है, हमने उनको ग्राउंड जीरो फ्लक्स सब दिखाया था बट उन्होंने डीडी प्रेफर करा। तो भाई मोस्ट प्रोबेबली भैया के साथ मिलके वो वाली वीडियो में हम जल्दी शूट करेंगे, तो अभी काम स्टार्ट हो रहा है, प्लान आउट कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हाई एंड ऑडियो सेटअप आने वाला है अपने न्यू क्रेटा के अंदर भैया के साथ मिल गई, तो उसके लिए भी भाई स्टे ट्यून्ड रहना, बहुत मजा आएगा। तो भी अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे करना है थोड़ा सा एक आइडिया बता दो। एक तो नंबर फ्लैश हो रहा है, प्लस आप नंबर लिख भी सकते हैं 9899373925, और अगर आपको हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की अपडेट चाहिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज palmotors_jheel वो फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब चैनल भी है, सब पे आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी भाई व्हाट्सएप पे भी आप अपनी इंक्वायरी डाल सकते हो, कोई और आप लोगों को डाउट हो, कोई भी गाड़ी हो, आपको एक सेटअप रेडी करा रहा हूँ, चाहे इंटीरियर से हो, चाहे वो बेसिक एसेसरीज में हो, चाहे ऑडियो में हो, तो भाई सब कुछ हो जाएगा, सारी A to Z चीजें अवेलेबल है। एक लास्ट चीज भैया एड्रेस और आना कैसे है थोड़ा बता दो। भैया एड्रेस पहली बात तो मैं बोलूंगा ईस्ट दिल्ली में है, करोल बाग में नहीं है, ईस्ट दिल्ली गीता कॉलोनी में झील पड़ता है, हमारी झील में ही शॉप है, फेमस है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, और आप गूगल मैप्स पे पाल मोटर्स एंड कार एक्सेसरीज डालेंगे तो भी हमारी लोकेशन आ जाएगी और नंबर मैंने आपको शेयर कर दी बिल्कुल। तो भाई आपको अगर ऐसा और कंटेंट चाहिए तो बार बार कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर लेना, चंदन भैया के साथ मिलके हम भाई बेसिक प्लस हाई एंड ऑडियो तो हम बताने भाई कितना दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे पेज पे और अपने फेसबुक पेज पे, लेटेस्ट अपडेट्स रोज आती रहती, काफी न्यू एक्सेसरीज, न्यू सीट कवर्स, न्यू ऑडियो, एवरीथिंग। बाकी भाई ये जो अपने डीडी का सेटअप रेडी हो रहा है इससे रिलेटेड भी नई वीडियो बहुत जल्दी आएगी तो आप लोग उसे जरूर देखना। तो भाई आज की वीडियो बस कर रहे हैं यही एंड, वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जो बेस्ट पार्ट लगा भाई वो भी कमेंट कर दो, कोई बात बेकार लगी तो वो भी कमेंट कर दो ताकि भाई उसे इंप्रूव कर सके, है ना भैया? बिल्कुल। चलो तो भाई मिलते हैं आप लोगों से देख नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।